हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राजबाइक डॉक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो साइकिल का ट्यूब होता है वो फट जाता है तो उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं। दोस्तों ट्यूब कौन सा भी हो सकता है, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, ट्रैक्टर का, किसी का भी हो सकता है। अगर वो ज़्यादा फट जाए तो उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और पास में जो बेल आइकन का घंटी का बटन दिख रहा है दोस्तों उसको भी दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सके दोस्तों, ताकि आपके कुछ काम आ सके वीडियो दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मैं ट्यूब फटा हुआ है उसकी चारों तरफ से उसकी घिसाई करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो घिसाई मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका है, आप जाके मेरी वीडियो देख सके कि घिसाई कैसे करती है, किस तरह से होती है घिसाई। घिसाई करने के लिए आप रेजमाल कुछ भी यूज में ले सकते हो, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो दोस्तों उससे आप घिसाई कर सकते हो दोस्तों। ये देख रहे हैं मैंने इतनी छोटी घिसाई कर ली है दोस्तों, इसकी चारों तरफ से अच्छे से घिसाई करनी है दोस्तों। अब इसकी हम सिलाई करेंगे दोस्तों। सिलाई करने का भी एक अलग ही तरीका होता है दोस्तों, किस तरह से सिलाई करते हैं आज मैं भी बताने वाला दोस्तों आपको। तो सिलाई मैं वैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना दोस्तों आपको। सिलाई अंदर से लेनी है दोस्तों, जो सुई होती है उसको अंदर की तरफ से लेना है सुई को इस तरह से, और थोड़ी सी इसकी गांठ लगा लेंगे पीछे तब तक बाहर ना निकले रस्सी, इस तरह से ये गांठ लग जाएगी दोस्तों, इसको अंदर लेना है। और जो दूसरा टाका लेना है वो भी अंदर से लेना है दोस्तों, बाहर से जाएगी भी टाका नहीं लेना है, ट्यूब के अंदर से टाका लेना है, जितने भी टाके लेने हैं वो ट्यूब के अंदर से लेना है, पास पास में लेना है, ज़्यादा दूर भी नहीं लेना है इस तरह से। अब देखते जाओ दोस्तों मैं किस किस तरह से सिलाई कर रहा हूँ, वैसे ही करनी है आपको भी सिलाई, ताकि ट्यूब सक्सेस हो सके दोस्तों। अगर हम बाकी रेडी सिलाई कर देंगे तो सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। जैसे मैं सिलाई कर रहा हूँ वैसे आपको इसकी सिलाई करते जाना है दोस्तों, अंदर से लेना, एक भी टाका बाहर से नहीं आना चाहिए दोस्तों। इस तरह से इस मुंह में डाला अंदर से, फिर उस मुंह की लेनी तो उसके अंदर से डाला नीचे से, इस तरह से सिलाई करनी है दोस्तों। इसकी अंदर से लेना, एक भी टाका बाहर से नहीं लेना है, तभी सक्सेस होगा हमारा ट्यूब है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी तक मैंने देखा कि आप मेरी वीडियो देखते हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आप रोज़ डेली वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने। तो दोस्तों इस तरह से मैं फटाफट से आपको सिलाई करके बता दूँ दोस्तों कि किस तरह से सिलाई करनी है। आपको मैं 5-8 आगे बता चुका हूँ दोस्तों, इसी तरह से आपको सिलाई करनी है पूरी ट्यूब की दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने इसके अच्छे से सिलाई कर दी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से सिलाई की, आपको भी ऐसे ही सिलाई करना दोस्तों, पूरी सिलाई करना। तो मैं आपको पूरी सिलाई करके बताता हूँ कि किस तरह से पूरी सिलाई करनी है, इसके बाद बताता हूँ आपको मैं। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे लास्ट टाका इसका, और लास्ट टाका लेने के बाद दोस्तों इसमें गांठ लगानी है दोस्तों कुछ इस तरह से, ताकि लूज ना हो दोस्तों रस्सी जो हमने सिलाई की इसकी, इस तरह से इसके टाका लगाना दोस्तों, और टाका लगाने के बाद इसकी गांठ लगानी कुछ इस तरह से, अच्छे से गांठ को लगाना दोस्तों ताकि ढीला ना हो कहीं पर। गांठ लगाने के बाद दोस्तों इसको काट लेंगे बच्चे हुए को, और दोस्तों देख रहे होंगे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा दोस्तों, एकदम शानदार सिलाई। और दोस्तों उसके बाद उसके ऊपर सोल्यूशन लगाएंगे चारों तरफ से, जहाँ जहाँ भी घिसा हुआ है वहाँ पर अच्छे अच्छे मात्रा में सोल्यूशन को लगाना दोस्तों, ताकि कार्य अच्छे से चिपक सके दोस्तों। दोस्तों उसके सोल्यूशन लगाऊंगा, उसके बाद इसको चारों तरफ रफ कर लूँगा अच्छे से, और उसको सुखा लूँगा दोस्तों। सुखाने के बाद जो इस कार्य होती है उसको बनाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास में दिख रहे होंगे पड़ी कटी हुई, फिर उसको लगा दूँगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत दोस्तों मेरे को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से रफ करना दोस्तों अच्छे से, उसके बाद जो कार लेती है उस कार होती है उसको बड़ी कार लेनी है अपने हिसाब से, जितनी बड़ी अपने को लगाना है उतनी बड़ी। तो इसके कोने को अच्छे से कट करना है, गोल कोने गोलाई में करना है दोस्तों, ताकि कहीं लीक लाख नहीं रहे दोस्तों, गोलाई में करने से लीक लाख नहीं रहता है। तो देख रहे हैं मैं इनको गोलाई दे रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से मैंने गोलाई दे दी इनको, और मैं इसको मैं अच्छे से पकड़ के ऊपर काली लगा दूँगा दोस्तों अच्छे ढंग से दोस्तों, ताकि अच्छे से चिपक जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से काली लग जाएगी दोस्तों।
दोस्तों उसको अच्छे से प्रेस करना दोस्त कार्य को, और खोस के किसी चीज़ से हल्की हल्की इसकी ठुकाई भी कर लेनी है दोस्तों, ताकि अच्छे से चिपक जाएगा दोस्तों, कहीं लीक होने का डर नहीं रहेगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों कार्य लगने के बाद इसके अंदर हवा भरेंगे इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों। तो मैं इसके अंदर हवा भर रहा हूँ दोस्तों, हवा अच्छी मात्रा में भरने आराम से, और दोस्तों फिर इसको पानी के अंदर लेके चेक कर लेंगे दोस्तों कि कहीं लीक तो नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कारी किस तरह से लगी, हवा भर ली मैंने इसके अंदर, आप देख रहे हो कारी एकदम अच्छे से कारी लगी दोस्तों, ये कहीं से भी लीक होने का डर नहीं है इसमें दोस्तों। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप YouTube पे देख रहे हो, और अगर Facebook पे देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे दोस्तों। और हमारे Instagram हैंडल को फॉलो करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में लिए, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।